नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है ऑयल फ्री पालक पनीर। ऑयल फ्री पालक पनीर बनाने के लिए मैंने लगभग एक बन चाहिए, एक गुच्छा मैंने पालक लिया हुआ है जिसे अच्छी तरह से धो लिया है। मैं इसके पत्ते भी यूज़ कर रही हूँ और ये कोमल कोमल इसकी टहनियाँ हैं ये भी मैं डाल रही हूँ। और मैंने लगभग एक छोटा कटोरी मैंने हंग कर लिया हुआ, क्योंकि मैं तेल घी किसी का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो अगर पालक में आप ये दही डाल दें, हंग कट मतलब जो हम गाढ़ा दही होता है उसको मैंने कपड़े में बांध के रखा था, तो ये गाढ़ा बिल्कुल पानी नहीं है इसमें और बहुत अच्छा क्रीमी टेस्ट आएगा इसमें पालक पनीर में। और थोड़ा सा पनीर लिया हुआ है, छोटे टुकड़ों में काट लिया है। फ्रेश मलाई ली हुई है मैंने एक छोटा कटोरी, और लगभग एक इंच का टुकड़ा अदरक का कद्दूकस कर लिया है, और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ली हुई है। स्वाद अनुसार नमक डालूँगी, और मैं इसमें सिर्फ हरी मिर्ची डाल रही हूँ, लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ। 4 मैंने हरी मिर्च ली, ये आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और मैं इसमें लगभग 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 2 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग, और एक मैंने बड़ी इलायची ली हुई है, और लगभग 10 से 12 दाने मैंने काली मिर्च के लिए हुए, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर है। सबसे पहले मुझे पालक को उबालना है, यानी कि ब्लांच करना है। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर, और थोड़ा सा पानी डाला हुआ है। तो अब मैं इसमें ये काली मिर्च भी डाल दूँगी और अदरक, इसमें बड़ी इलायची भी डाल दूँगी, दालचीनी, हरी इलायची, लौंग, ये सब कुछ डाल दूँगी। पहले मैं इसे थोड़े 2-3 मिनट उबलने दूँगी, उसके बाद मैं पालक डालूँगी। और मैंने हरी मिर्च और लहसुन अदरक सब डाल दिया है, और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पहले उबलने देती हूँ, उसके बाद मैं पालक डालूँगी। लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, देखिए मसाले का फ्लेवर पानी में आने लगा, दालचीनी का कलर आ गया। तो अब मैं इसमें पालक डाल देती हूँ। और 5 मिनट तक मैं मीडियम आंच पे इसे उबलने दूंगी, और इसमें मैं नमक भी डाल दे रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक और हल्दी पाउडर भी इसमें डाल दे रही हूँ, और 5 मिनट तक इसे उबलने देंगे। और मैं इसे अब ढक देती हूँ। जब तक ये पालक ब्लांच हो रहा है, उबल रहा है, तब तक के मैं ये जो पनीर मैंने काट के रखा हुआ है, तो मैंने एक बाउल में हल्का गुनगुना पानी किया हुआ है, मैं इसमें नमक डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैं पनीर डाल दूँगी, इससे पनीर सॉफ्ट तो रहता ही है, क्योंकि फ्रिज में पनीर रहता है तो वो थोड़ा सा कड़क सा हो जाता है, तो पनीर भी सॉफ्ट रहेगा और उसमें नमक का टेस्ट आ जाएगा। इसे डूबे रहने देते हैं। लगभग 5 मिनट हो गया पालक को उबलते हुए, ये देखिए काफ़ी अच्छे से ब्लांच हो चुका है। मैं गैस ऑफ कर दूँगी और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर मैं इसे ग्राइंड करूँगी। देखिए पालक ठंडा हो चुका है, और मैंने इसमें जो दालचीनी का टुकड़ा और ये बड़ी इलायची डाली थी वो मैं निकाल दे रही हूँ, क्योंकि इसका फ्लेवर अच्छे से इसमें आ चुका है। अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ और इसका अच्छा पेस्ट तैयार कर लूँगी। देखिए पालक का अच्छा पेस्ट तैयार हो गया है, और मैंने एक कढ़ाई रख दी है गैस पे। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये पेस्ट, और ये जो उबला हुआ पानी था वो मैं ये डाल दूँगी, वो भी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उसका फ्लेवर है काफ़ी मसालों का। मैं ये पूरा डाल दूँगी इसमें, और साथ ही मैं हंग कर्ड भी डालूँगी और मलाई भी डाल दूँगी।
और मलाई भी डाल दूंगी इसमें, थोड़ी सी मलाई में गार्निशिंग के लिए रख दूंगी ऊपर से। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा उबाल आने देते हैं, फिर मैं इसमें पनीर डाल दूंगी और इसको कम आंच पे ढक करके लगभग 3 से 4 मिनट पकने दूंगी ताकि पालक का टेस्ट पनीर में भी अच्छे से आ जाए और अच्छे से बॉइल्ड हो जाइए। देखिए उबाल आ गया इसमें अच्छे से, और मैं गैस की आंच कम कर दूंगी। अब मैं इसमें पनीर डाल दूंगी, जो पनीर मैंने नमक के पानी में डाल के रखा था, ये देखिए, और इसमें मैं डाल दूंगी, साथ में उबल जाएगा ये और बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। लगभग 4 से 5 मिनट कम आंच पे, अगर आपको ज़्यादा पतला रखना है तो पतला रख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा गाढ़ा सा अच्छा लगता है पालक पनीर ये। और अब मैं इसे ढक दूंगी। लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं पालक पनीर को उबलते हुए, कम आंच पे उबल रहा था ये, अच्छा ही फ्लेवर आ गया होगा इसमें। खाने के लिए तैयार है पालक पनीर, मैं इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। गर्मा गर्म ऑयल फ्री पालक पनीर तैयार है खाने के लिए, जिसे आप रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है, और राइस के साथ भी तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप भी इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट करके बताना ना भूले कि ऑयल फ्री पालक पनीर की रेसिपी आपको कैसी लगी, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूले। धन्यवाद।